आकाशवाणी राजकोट प्रस्तुत छे रेडियो रूपक श्रेणी जय सोमनाथ जय गिरनार। जय सोमनाथ जय गिरनार। मूल गुजराती कृतिना लेखक अशोक शर्मा, हिंदी अनुवाद एस पी शर्मा, निर्माण सहाय संकलन अने सूत्रधार राजू याज्ञिक, निर्माण डॉक्टर गीता हीरा। जय सोमनाथ जय गिरनार परिकल्पन धीरज गोसाई, परामर्श भगवान मिहिर चंदानी। जय सोमनाथ जय गिरनार। आजे मणको त्रीजो। भाग लेनार कलाकारों श्री कृष्ण, सुभाष देसाई, दिव्यनाद, मंगल जोशी, पार्थी, विपुल बुज, राष्ट्रीय धीरज गोसाई, सम्राट अशोक, परेश वर्गमा, श्लोक गान जयंतीभाई पटेल अने भरत पटेल, सूत्रधार गिरनार राजू याज्ञिक। जय सोमनाथ जय गिरनार। मैं गिरनार, उत्तुंग और तप के तेज से प्रज्वलित, मारो समाधि में मस्त योगीराज। मैं अपने इस गिरी कंदरा में हजारों ऋषि मुनियों की तपस्या के तप और अनेकों सतियों के सत को संभाल कर बैठा हूं। आज मैं आपको प्रभास क्षेत्र के भालका और देवसर की पावन भूमि ले चलता हूं। श्रीमद् भगवद गीता के अमर मंत्रों की धुनी यहां आज भी सुनाई देती है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर्पेशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्गवम गिरिचापलम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्गवम गिरिचापलम। तेज क्षमा द्रुति शोचम द्रोह नाति मानिता
भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत भगवान श्री कृष्ण माखनचूर बाल गोपाल या वृंदावन बिहारी नटखट नटवर रणछोड़ राय या महाभारत के महानायक योगेश्वर किस किस नाम से कान्हा को निमंत्रण पत्र लिखे हम यतो धर्म ततो कृष्ण यतो कृष्ण ततो जयः। इस प्रकार समग्र भारतवर्ष में सत्य और न्याय का धर्म प्रवर्तन करने वाले महान लोकनायक इस पृथ्वी पर पूरे 125 वर्ष 7 महीने और 7 दिन तक विद्यमान रहे। स्वयं काल देवता ने भगवान को उनके अवतार कार्य की समाप्ति की जानकारी दी। यह दिव्य घटना आज से 5109 वर्ष पूर्व चैत्र सुदी प्रतिपदा की मध्याह्न बेला में प्रभास क्षेत्र में घटित हुई थी। जैसा विचक्षण उनका जन्म वैसा ही दिव्य उनका संचरण। मुझे याद है वह घटना जब भगवान श्री कृष्ण हिरण नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। भगवान के मुखारविंद पर महासागर की गहराई सी गंभीरता और करुणा छा रही थी। अपने युगावतार का चिंतन करते समय कभी उनकी मुख मुद्रा प्रसन्न बनती थी तो कभी गंभीरता का आंचल ओढ़ लेते थे। उस समय अंतरिक्ष से एक दिव्य प्रकाश और श्री कृष्ण की आवाज का गहरा गंभीर प्रतिघोष होता है। हे श्री कृष्ण, आपका अवतारी कार्य पूर्ण हुआ है। बड़े दाऊ भी पाताल सिधार गए हैं। गोलोकवासी आपके आगमन को सत्कारने के लिए आतुर हैं। उनकी इच्छा पूर्ण कीजिए हे वासुदेव। भगवान, मुझे लगता है कि मेरा अवतारी कार्य अभी बाकी है। मोहन को भी उनके द्वारा रचित सृष्टि की माया लगी है क्या? गोविंद, आप तो योगेश्वर हैं, अपितु लोकाचार की मर्यादा का पालन करना ही है। आपका कौन सा कार्य शेष है? भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा को छोड़कर खड़े होते हैं और दाईं ओर 2-3 कदम चलकर खड़े हो जाते हैं। थोड़ा चिंतन करके दूर आसव के नशे में मत्त बने हुए यादव की ओर दृष्टिपात करते हैं और मानो स्वागत बोल उठते हैं। मेरा अवतारी कार्य सत्य की प्रतिष्ठा और धर्म की जय। लेकिन वह तो कंस के वध से प्रारंभ हुआ और महाभारत के युद्ध के साथ समाप्त हुआ था, सही है ना? श्री कृष्ण की आंखों में संवेदना गाढ़ी होती है और मस्तक हिलाकर दृढ़ स्वर में कहते हैं, नहीं, अभी एक कार्य शेष है। सत्ता और प्रमाद के मद में अंध बने हुए ये यदुवंशी पृथ्वी पर भार बने हुए हैं। केशव, ये तो आपके ही वंशज हैं, आप उनको भी नष्ट करेंगे? आसव के मद में बड़बड़ाते हुए यादवों को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए। जो धर्म छोड़ता है उसे मरना ही पड़ेगा, फिर मेरे ही वंशज क्यों ना हो? लेकिन माधव, उससे तो आपके वंश का लोप होगा। मेरे वंश का अंत असंभव। मैं इस समष्टि के कण कण में व्याप्त हूं। जहां सत्य धर्म और न्याय है
जहां श्री ऊर्जा और ऐश्वर्य है वहां वहां मेरा नित्य वास है। और रही बात इन यदुवंशियों की, उन्हें तो अहंकार और आसव के द्विगुणित विषपान का दंड भोगना ही पड़ेगा। द्वंद्व युद्ध और मृत्यु चिखो द्वारा यादव स्थली का दृश्य मैंने देखा है। श्री कृष्ण निर्लेप भाव से गंभीर मुखमुद्रा में पीपल वृक्ष के तने का सहारा लेकर बाएं पैर के घुटने पर दायां पैर टिकाकर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए हैं। इतने में किसी ने तीर छोड़ा हो ऐसी सर आवाज आती है और एक धनुष बाणधारी शिकारी दौड़ते हुए आता है। अरे 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 प्रभु, आप, मैंने तो हिरण का मुख जानकर आपके श्री चरणों में प्रहार किया। अरे नहीं, मुझे मुझे क्षमा कीजिए भगवान, ये तो महापाप हो गया, मुझसे अनर्थ हो गया भगवान। और शिकारी भगवान के चरण से तीर वापस खींच लेता है और अपने मस्तक पर बांधे हुए वस्त्र से पांव में लगे हुए घाव पर पट्टी बांधने की चेष्टा करता है। वो मुझसे ये अपराध हो गया। तो तू निरपराध है, शांत हो, रो मत वत्स, रो मत। मुझसे ये क्या हो गया? तूने मेरी ही इच्छा पूर्ण की है वत्स। पिछले जन्म में तू बाली था और मैं दशरथ पुत्र राम। उस समय मेरे भक्त सुग्रीव का पक्ष लेकर मैंने तेरा वध किया था। ऐसा? आज उसका प्रतिशोध लिया जा चुका है। ठीक याद आया, पुत्रों के शोक में तप्त माँ गांधारी के अभिशाप को भी सार्थक करना पड़ेगा ना। लेकिन प्रभु, मेरे महाप्रस्थान का समय आ पहुंचा है, उसमें तू तो निमित्त मात्र है पुत्र, तेरा कल्याण हो। नहीं, लेकिन प्रभु, प्रभु मैं आपके भाव पड़ता हूं, प्रभु आपके जाने से ये भूमि अनाथ बनेगी, पापियों से जगत को कौन बचाएगा भगवान? गीता का उपदेश भूल गया वत्स? मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो सदैव यहां आप सबके बीच ही बसता हूं, बस यहां ही इस हिरण नदी के पावन जल में ही, यही मेरा गोलोक धाम है। यह कलकल ध्वनि से बहता जल, यह पंछियों का कलरव, उदीपमान उषा और अस्तमित संध्या तथा चंद्रमा की शीतलता, ये सब मेरे ही दिव्य अंश है। जहां सत्य है, प्रेम है और करुणा है, वहां मेरा नित्य निवास है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मेरा आविर्भाव होगा। धर्म के उद्धार और सज्जनों के परित्राण के लिए मैं आता रहूंगा। आर्यत्व की यह अमृत धारा कभी नहीं सूखेगी। जब कोई मनुष्य धर्म की वेदी पर, न्याय के आसन पर बैठकर सत्य का सुदर्शन धारण करेगा, तब तब मेरा आविर्भाव होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
स्थानं धर्मस्य। तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में हिरण नदी के किनारे आज भी विद्यमान है। यह स्थल ही देवोत्सर की भूमि, यहीं से महाप्रस्थान किया था भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान चतुर्भुज स्वरूप धारण करके सब भक्तों के हृदय को भावाभिभूत करके बादल में बिजली की चमक के समान अदृश्य होते हैं। पौराणिक युग की यात्रा यहां समाप्त हुई। अब हम ज्ञात इतिहास के दौर में हैं। समग्र भारतवर्ष को अखंड राष्ट्रवाद और सुशासन के तंतु से बांधने वाले महाअमात्य कौटिल्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ईस्वी पूर्व 319 में मगध के सम्राट बने थे। समग्र भारतवर्ष में उनका आदेश चलता था। यद्यपि सौराष्ट्र में गणतंत्र था और उसका प्रमुख केंद्र जूनागढ़ था, यहां मगध का प्रतिनिधि राष्ट्रीय रहता था। चंद्रगुप्त के राष्ट्रीय पुष्यगुप्त वैश्य ने सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा के लिए मेरे तलहटी में सुदर्शन सरोवर बनवाया, जो कि मौर्य युग का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण, चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक के काल में गिरिनगर में स्थापित हुआ। मेरे ही कंदरा में ईस्वी पूर्व 256 में अशोक द्वारा उत्कीर्ण शिलालेख आज भी विद्यमान है। आज भी मुझे याद है मगध की राजसभा का दृश्य। सिंहासन पर सम्राट अशोक विराजमान है। सभा में अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उस समय सौराष्ट्र का प्रतिनिधि या राष्ट्रीय प्रवेश करता है। देवानाम प्रिय मगध सम्राट महाराजाधिराज की जय हो। पधारिये राष्ट्रीय, सौराष्ट्र के क्या समाचार है? नागरिक सुखी तो है ना? सम्राट की कृपा से सब क्षेम कुशल है महाराज। सुदर्शन सरोवर का कार्य पूर्ण हो चुका है। जल सिंचाई की सुविधा से सुख और समृद्धि दोनों बढ़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारी प्राथमिकता उससे विशेष है। जी महाराज। राष्ट्र के पूर्ण उत्कर्ष के लिए मात्र आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है, समाज में नीतिमत्ता और धर्म का प्रवर्तन होना चाहिए। महाराज की जय हो प्रभु। तभी तो प्रभु आप देवों को प्रिय हैं। सौराष्ट्र की जनता को महाराजाधिराज का क्या संदेश है प्रभु? गिरिनगर में योग्य स्थल में एक विशाल शिला पर
हमारी धर्म आज्ञा अंकित करवाई जाए। जी महाराज। जनता हिंसा से दूर रहे, रुग्णालयों में रोगियों का उपचार हो, ब्राह्मण और बौद्ध श्रमणों का समान सत्कार हो, प्रजा जीवन संयमी बने, एकताबद्ध बने, अधिकारीगण माताओं और यात्रिकों के प्रति करुणा दृष्टि रखें तथा धर्म महालाभ तथागत भगवंत के उपदेश का निरंतर प्रचार करें। अहिंसा, करुणा और समता के आदर्शों का प्रवर्तन हो। साम्राज्य के प्रत्येक प्रांत में इन धार्मिक आज्ञा का पालन हो। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में मैं आपको वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद की विज्ञान शाला में ले जाऊंगा। साथ ही साथ दूसरी सदी में हुए शक क्षत्रत रुद्रदामन के सुशासन का परिचय भी दूंगा। आप सांभिया था रेडियो रूपक श्रेणी जय सोमनाथ जय गिरनार। मूल गुजराती कृतिना लेखक अशोक शर्मा, हिंदी अनुवाद एसपी शर्मा, निर्माण सहाय संकलन अनि सूत्रधार राजीव याग्निक, निर्माण डॉक्टर गीता गीडा। जय सोमनाथ जय गिरनार। परिकल्पन धीरज गोसाई, परामर्श भगवान मिहिर चंदानी। जय सोमनाथ जय गिरनार। भाग लेणार कलाकार श्रीकृष्ण सुभाष देसाई, दिव्यनाथ मंगल जोशी, पार्थी विपुल बुच, राष्ट्रीय धीरज गोसाई, सम्राट अशोक परेश वर्गामा, श्लोक गान जयंतीभाई पटेल अने भरत पटेल, सूत्रधार गिरनार राजू याग्निक। जय सोमनाथ।
जय गिरनार। प्रसारण आकाशवाणी ना राजकोट केंद्र थी करवामां आव्युं। ओम सुंदरम ओंकार सुंदरम शिव सुंदरम सोमनाथ सुंदरम। 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 गंग सुंदरम गंगधार सुंदरम गिर सुंदरम गिरनार 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 सुंदरम। ओम सुंदरम सोमनाथ सुंदरम प्रभास के निवास के श्रृंगार सुंदरम। सुंदरम सोमनाथ सुंदरम प्रभास के निवास के श्रृंगार सुंदरम। प्रभास के निवास के श्रृंगार सुंदरम प्रभास के निवास के श्रृंगार सुंदरम प्रभास के निवास के श्रृंगार सुंदरम प्रभास के निवास के श्रृंगार सुंदरम।